कितने कितने दिन बाद पानी आता है यहाँ पे? 7 दिन के बाद। 7-8 दिन बाद? सच बता रहे हो? हाँ सच बता रहा हूं। कौन सी जगह आई है? आपको उम्मीद थी आपकी मदद, आपकी ऐसी मदद होगी? सच में कैसा लग रहा जो आपको पाकिस्तान से आपकी बहन है, आप लोग देख रहे होंगे? धन्यवाद। पानी को तल करो, पानी पीने का मस्त है, इतना रोटी पकाओ, पानी में मजबूरी है, पानी का ज्यादा मजबूरी है जी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आए तो अभी हम किसी फैमिली की हेल्प करने के लिए, लेकिन जैसे इस परिवार के पास पहुंचे तो यहाँ एक न्यू प्रॉब्लम हमें दिखी, जो मैं चाहता हूँ पूरा देश विदेश का जो हिंदू समाज है इस इशू को समझे। दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में जो नेशनल कैपिटल है उसमें कैसी बेसिक सुविधाएं को क्या हाल है अभी, जो बेसिक सर्विसेज जो होनी चाहिए सरकार उसका क्या हाल है अभी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जो दोस्तों आप मेरे आसपास ये लोग देख रहे हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, और देखिए दोस्तों टेंशन क्या है, पाइप है अम्मा के हाथ में, अम्मा ये पाइप लेकर बैठे हो, क्यों बैठे ऐसे? पानी नहीं आ रहा। पानी कब से नहीं आ रहा है? ये 5-6 दिन हो जाता है। ये जो पानी आपका नहीं आ रहा है, ये आपका कितने कितने दिन बाद पानी आता है यहाँ पे? 7 दिन के बाद। 7-8 दिन बाद? सच बता रहे हो? हाँ सच बता। कौन सी जगह ये? ये भाटी मैन संजय कॉलोनी। भाटी मैन संजय कॉलोनी। आप बताओ दीदी कितने कितने दिन का पानी आ रहा है? यही 7-8 दिन में आता है, अभी पीने तक नहीं है ये टंकी। 7-8 दिन के बाद आता पानी? तो फिर आप कैसे पानी पीते हो? फिर इधर उधर से मांग के आते हैं, क्या करें, अगर 4-4 दिन नहीं नहाते हैं, पानी नहीं है, अभी भी नहीं नहाए, नहीं पानी पीने का तक नहीं, तो नहाए पानी नहा नहीं पा रहे हो? कुछ नहीं है। तो फिर कैसे गुजारा करो? सरकार को टैंकर वगैरह देती है यहाँ पे? कोई नहीं देते, नहीं कोई पूछता है। जैसे दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली सरकार तो बोलती है ऐसे कि आपको टैंकर में पानी आ रहा है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं देते। जान समझ लिया भाई, अपने घर के पास फाइनल छुट्टी। फिर आप लोग क्या करते हो? कुछ नहीं कर रहे, और क्या नाच गाना करेंगे? क्या करें, ये जो पाइप लेकर बैठे हो, ये पानी आता कितनी देर के लिए? अगर 7 दिन बाद आ भी रहा है, ये 2 घंटे आ जाता, आधा घंटा भी आता है, ना आए तो लाइट चली जाती है, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं? हाँ, फिर 2-4 दिन के बाद फिर देंगे, कहीं से 1 डब्बा ले आएंगे, कहीं से 2 मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। आधा पानी भरिया, आधा कौन भरिया, बोर बंद से गया। तो कैसे कर रहे हैं अभी, कैसे चला रहे हैं हम काम? तल भी ना करें दे, पानी को नीचे कितना तल करो, पानी पीने का मस्त है, पानी इतना रोटी पकाओ, पानी में मजबूरी है, मन पानी का ज्यादा मजबूरी है जी। पानी आता है कोई ठाव बरते बरते नहीं बरते बर्तन, और कोई लाइन नहीं है पानी की? कोई नहीं। 6-6 दिन बाद आ रहा पानी है? कोई आ रहा है? आता है 6 बार भी 7 बार भी, कोई साबित नहीं, नहीं मिलता पानी। दोस्तों जिस परिवार की हम मदद करने आए, वो रबेल वाला रबेल का परिवार है। रबेल थोड़े टाइम पहले ही पाकिस्तान से भारत आए हैं दोस्तों, और मैं ऊपर इनकी लिंक शेयर कर देता हूँ, प्रीवियस वीडियो प्लीज उसको देखें। ये राबेल ने दूसरा नई जगह इन्होंने शिफ्ट करा है। सबसे पहले राबेल से दोस्तों यही पूछता है, क्या इशू है हमारे पानी का आप लोगों का? हाँ सर, ये पानी कभी आता है 6ठे दिन आता है, 20-40 मिनट बाद। 6ठे दिन? हाँ जी। सच बोल रहे हो ये? हाँ सर। बाकी दिन कैसे काम चला रहे हो गर्मी में? बस स्टोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, सही गुजारा कर लेते हैं। ये पूरा भाटी में ये सीन है? सारी भाटी में। दोस्तों हम भी काफी टाइम से यहाँ घूम रहे हैं, और ये चीज पहली बार पता लगी है कि यहाँ पानी का इतना इशू है, क्योंकि हमसे दोस्तों बहुत लोगों ने पानी की टंकियां स्टोरेज की मांगी है। इन्होंने भी दोस्तों स्टोरेज की टंकी मांगी थी। दोस्तों इनको हम क्या हेल्प कर रहे हैं आज, मैं चाहता हूँ वीडियो को अंत तक देखे, जरूरी है दोस्तों, ताकि वीडियो रिकमेंडेशन में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखे, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कैसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं के लिए स्पेशली बना है, खासतौर से ऐसे परिवार जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, या बांग्लादेश अफगानिस्तान से भारत आते हैं, जिनकी हेल्प की जरूरत है, जिनको मदद की जरूरत है यहाँ पर, ताकि वो थोड़ा अपना अपना जीवन यहाँ पर अपनी लाइफ थोड़ी किक स्टार्ट कर सकें। इसके लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन से जुड़े। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों बता दूं कि ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं का, मतलब हमारे लिए सिख जैन बुद्धिस्ट और सारे हिंदू हैं, हम हिंदुओं में जात पात नहीं मानते। आज की जो क्या हेल्प हम कर रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। राबेल बार के एक परिवार को हम 2 चारपाई दे रहे हैं, ये 2 चारपाई है दोस्तों, बर्तन इनको दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं दोस्तों, और इनको दोस्तों गैस चूल्हा प्लस सिलेंडर, ये बड़ा सिलेंडर हम यहाँ दे रहे हैं, और इनको दोस्तों हम दे रहे हैं कूलर, क्योंकि गर्मी इतनी एक्सट्रीम है इस टाइम पर दिल्ली में दोस्तों, इसलिए इनको कूलर दे रहे हैं, और वाटर स्टोरेज करने के लिए पानी की टंकी,
ये दोस्तों ये चीज अजीब लगी मेरे को यहाँ पर, जब सारे लोग ऑलमोस्ट पूछते हैं कि भैया हमें वाटर की टंकी दे दो, क्योंकि वाटर की टंकी जरूरी इसलिए, जैसे आपको पता लगा कि पानी की स्टोरेज यहाँ करने के लिए इनको, इनके पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, बर्तन नहीं है, तो इसलिए ये पानी का स्टोर करते हैं। ये पीने वाला पानी है दोस्तों, पीने वाला पानी स्टोर करते हैं ताकि 5-6 दिन इसमें निकल सके। ये व्यवस्था है दोस्तों दिल्ली में, और दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल। अगर आप देखो दोस्तों ये छोटे छोटे बोतलों में भी, ये जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं इनमें भी पानी स्टोर करते हैं दोस्तों। ये जो आप सहयोग देख रहे हैं, आटा दोस्तों करीब 40-50 किलो का आटे का घटा है। हम ये कोशिश करते हैं कि इनकी नए परिवारों की थोड़ी बहुत लाइफ इनकी किक स्टार्ट हो यहाँ पर। और यहाँ जो दोस्तों ये जो आज का जो सहयोग दोस्तों आया है, ये जिन जिन लोगों से आया है मैं उनके नाम कोट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले राजू सिंह जी फ्रॉम गोरखपुर, राजकुमार शर्मा जी फ्रॉम जीके टू दिल्ली, राहुल विश्वनाथ जी फ्रॉम यूएसए, श्याम बाबू जी फ्रॉम गाजियाबाद, घनश्याम जी और उनके सारे डोनर फ्रेंड्स फ्रॉम लास पाल्मा स्पेन, और कृष्ण कुमार शर्मा जी फ्रॉम कैनेडा। दोस्तों इन लोगों की तरफ से ये आज का सहयोग है और ये हम एक्टिविटी प्लान कर पाए हैं। राबिल को दोस्तों ये सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भी इसकी फैमिली पाकिस्तान से भारत आई है, जिसमें ये है इनके बच्चे हैं और वाइफ है, इनकी मदर है, उसको ये अकेले सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे दोस्तों मोस्टली सारे जितने भी लोग आते हैं मजदूरी का काम करते हैं, तो ये गेंटी फावड़े वाला मजदूरी का काम करते हैं, इसमें इनका एकदम से इतनी बचत नहीं होती। वहां से पाकिस्तान से आते हैं तो इनके पास कुछ भी ऐसा कोई सामान नहीं होता है, कोई पैसे नहीं होते, जिस वजह से ये अपने यहाँ पर कोई अच्छी सी जिंदगी कोई प्लान कर सके। तो जरूरी है सारा समाज इकट्ठा है। जाते जाते एक कमेंट इनसे लूंगा दोस्तों, पहले क्या बोलोगे राबिल, जिन्होंने मदद करी आपके लिए? बहुत बड़ा धन्यवाद, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। उम्मीद थी आपको कि इतना सामान मिलेगा, सच बताना? उम्मीद नहीं थी, लेकिन धन्यवाद। उम्मीद नहीं थी? नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। अभी तक जब से पाकिस्तान से भारत आए हो, किसी संस्था ने आपको ऐसी मदद करी है? आप आए, थैंक यू, आपका थैंक यू, वेलकम। आओ दोस्तों, रबिल की धर्मपत्नी है रोशनी बहन। रोशनी बहन क्या बोलोगे जिन्होंने आपकी मदद करी, उनको धन्यवाद, मेहरबानी जो तुम्हें हेल्प की है। अच्छा, आपको सबको हेल्प करी है, आपको उम्मीद थी आपकी ऐसी मदद होगी? सच में? सच। कैसा लग रहा जो आपको पाकिस्तान से आपकी बहने आप लोग देख रहे होंगे? धन्यवाद। जो पाकिस्तान से लोग आपको देख रहे होंगे, हिंदू लोग जो इधर आना चाहते हैं, उनको क्या बोलोगे? अब आपको लगता है उनकी मदद होगी? आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आप यहाँ पे? जी पढ़ाएंगे अभी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। और हम लोगों को बहुत सारा सहयोग और चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आपने देखा होगा, हम लोग यहाँ कुछ पंचर की शॉप सेटअप करी हमने यहाँ पर, हम ई रिक्शा देते हैं, हमें ई रिक्शा के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन की सपोर्ट की जरूरत है, दुकानें खोलने के लिए हमें कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। डिटेल्स दोस्तों HSF के अकाउंट डिटेल्स हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में होती है। फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, तो मैं फिर से बता दूं, HSF की जो अकाउंट डिटेल्स हर वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है, जो QR कोड है वो यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी टैब है उसमें पेस्टेड, उसमें वहां पर पिंड है वो, तो वहां से आप QR कोड ले सकते हैं। मेरा नंबर हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, नंबर जो है दैट इज द UPI नंबर ऑफ HSF अकाउंट। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा ऐसा कारमा बनाए जहाँ पर सारे हिंदू इकट्ठे आकर हिंदुओं की मदद करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।